पहुंच गए हैं फेमस स्ट्रीट राजा पार्क जयपुर की, सामने अन्नू मोबाइल पान भंडार। जब जा रहे हैं भाई की, एक्चुअली भाई का जहाज है, हर भाई ने जहाज से जाना है आगरा। हाँ बंदा स्माइल करता है बट शादी करने वाला थोड़ा कम करते हैं। व्हाट्स अप गाइस, कॉल मी दीप्स एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई अमित जी उठ चुके हैं, अमित जी वॉशरूम में है और वीर भाई अपने साथ है। वीर भाई तो रेडी भी हो चुके हैं, सुबह हो गई है और ये भाई सबसे तेज चलता है, सबसे तेज रेडी हो गया है। कहाँ भाग रहे हो? लड़की वड़की देखने जा रहे हो? अरे मुझे लग रहा है ये भाई आगरा से है, यहाँ पर लड़की देखने हैं। स्मार्ट होके जा रहे हैं, देखो यार तो स्मार्ट। भाई आपको मेरी आंखें देखे लगी रहा हो कि मैं कितनी नींद आई है और क्या ही हुआ है। छोटा सा मॉर्निंग फैक्ट, कभी कभी ऐसा होता है तुम जगह चेंज करते हो, प्लेस चेंज होता है, तुम्हारा मूड भी थोड़ा ऐसा सा हो जाता है। कोई ऐसा सीन नहीं है, स्माइल करो, स्माइल करोगे अपना मूड चेंज हो जाएगा। ये मैंने सुबह सुबह एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो थी उसमें देखा और उसमें सीखा है। प्लस म्यूजिक, म्यूजिक को अगर आप सुनोगे, म्यूजिक कैन चेंज योर मूड। तो जब भी आपको लगे आपका मूड थोड़ा सा ऐसा है तो आप म्यूजिक सुनो, जो आपको पसंद है वो वाला म्यूजिक सुनो। अगर आप अच्छा म्यूजिक सुनोगे जो आपको पसंद है तो पक्का आपका मूड में कुछ चेंजेस आएंगे। मैंने भी ट्राई किया, आप भी ट्राई करो, देखो शायद हो सके चेंज हो जाए। स्माइल करते रहो यार, दूसरों को हंसाते रहो, खुद भी हंसते रहो। स्माइल से रिलेटेड बात कर रहे थे तो मुझे अमित जी की याद आ गई। मैं कहा अमित जी को बता दें, हर बंदा स्माइल करता है बट शादी करने वाला थोड़ा कम करते हैं। शादी अच्छा ये बात भी ठीक है। तो यहाँ बैचलर्स बनाने आए हो आप? ओके ओके, एक बंदा बैचलर बना रहा है, एक बंदा सुबह सुबह रेडी होके बंदी देखने जा रहा है। ये आ गया भाई, ये सही है भाई, दोनों की चल रही है भाई। मैं शरीर रह गया क्या तुम्हें? निगाह रखने पर लगे हो। मैं इसकी वीडियो बना बना के वायरल करूंगा ना। बेड पूरा बिखरा पड़ा है, इधर ही बैग पड़ा है, बैग वगैरह लग रखा। फटाफट रेडी होता हूँ, उठते हैं, रेडी होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। गर्म ज़्यादा भाई, अब खाना तो छोड़ कर। बताओ भाई कैसी है? परफेक्ट। ये तो सर है ही, फिर रेगुलर यहाँ पे रहने वाले। बढ़िया, मजा आ गया। चलो भाई फिर हम भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। चुकी हैं परांठे बनाने, हमारे फेवरेट वाले आलू के परांठे। मम्मी है क्या? नहीं मम्मी नहीं है, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया को देख रही है। हाँ जी, आंटी ने आटे में नमक मिला दिया, नमक में आटा और आटे में नमक, देखते हैं क्या है। आलू रेडी है, आंटी बना रही है, मैं फटाफट रेडी होने जा रहा हूँ मैं अब। तो भाई रेडी कोई नहीं हुआ क्योंकि आंटी ने फटाफट आलू के परांठे बना दिए हैं फुल स्पीड में। तो भाई मेरी प्लेट तो सज रखी है और एक्स्ट्रा पराठा ये रहा, इनकी तो हो गई है खत्म। मैंने आंटी को बोला 8 पराठे बनाने को और इन दोनों ने घुटने टेक दिए 8 पराठे खाने से। कितने पराठे बने अभी तक टोटल? फिर चार ही बने हैं। लो भाई चार में इनका नहीं पड़ गया, ये एक महीने पड़ गए, वो भी एक महीने पड़ गए, मेरे 2 पड़े हैं, एक ये रहा पड़ा, एक ये रहा। भाई नहा लिया और रेडी हो चुके हैं और फटाफट निकलते हैं यहाँ से बाहर सिटी के लिए और देखते हैं सिटी में क्या काम है। बाकी सबको देखता हूँ, चेक करता हूँ नहाए नहीं नहाए, रेडी हुए नहीं हुए। भाई हमें जो भी रेडी हो चुके हैं, वीर भाई तो पहले से रेडी थे। बाकी मैं एक चीज़ बता दूँ, इन दोनों ने नहाया नहीं हो, मैं नहा चुका हूँ। ठीक है गाइस, फिर निकलते हैं बाहर, चलते हैं। मेरे से जिद कर रहे हैं अमित जी की गाड़ी, अमित जी चलाएंगे तो अमित जी गाड़ी चलाने वाले हैं और मैं साथ में बैठ के ब्लॉगिंग करूँगा। चलो फिर चलते हैं। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn. जयपुर जा रहे हैं आज 2 साल के बाद, कोविड से पहले गए थे अमित जी, तो 2.5 साल के बाद अमित जी जयपुर जा रहे हैं, खुद गाड़ी चला के जा रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत कुछ है तो क्या काम है हमारा फिर जयपुर के अंदर? पुराने मित्रों से मिलना, बस फिर हम कुछ इनके पुराने मित्र और एक आधी मीटिंग निपटा के फटाफट दिल्ली निकलेंगे
भाई को छोड़ेंगे, भाई ने आगे जाना है आगरा की तरफ, तो चलते फिर सिटी की तरफ। भाई हाईवे के ऊपर स्पीड वाले खड़े होते हैं जगह जगह, स्पीड ट्रेवल करे दिल्ली से जयपुर के लिए, प्लीज देख के चलना स्पीड को अपनी, हर एक दो किलोमीटर के बाद आपको पुलिस वाले दिखेंगे स्पीड कैमरे के साथ। पता है ये जो पहाड़ है ना जयपुर के, मतलब मैंने सारे मौसम देखे, मतलब मैं तो साल भर जयपुर में रहा हूँ, तो ब्राउन होते हैं गर्मियों के अंदर, थोड़ी बारिश होती है ग्रीन होते हैं, ठंड पड़ती है पूरे ग्रीन हो जाते हैं, फिर धूप पड़ती है फिर वो सारा ब्राउन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है, सारे पेड़ सड़ जाते हैं, फिर वही पतझड़ का मौसम आता है फिर वापस ब्राउन हो जाते हैं, अभी फिर वापस ब्राउन होने लग गए हैं। यार वीर भाई जो अपना जयपुर में कितना टाइम रहे हो? 6-7 महीने। 6-7 महीने भाई जयपुर में रहा, भाई ने कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई कैफे कूफे नहीं, कोई पार्टी नहीं करी अभी नहीं, बड़ा शरीफ बच्चा है यार, प्लीज कोई कमेंट में यार इसके लिए गर्लफ्रेंड सजेस्ट कर, शादी करने का सीन है अभी नहीं, देख लो भाई फिर अवेलेबल भी है, अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, शादी हुई नहीं है, किसी को पसंद आ रहा हूँ भाई, जयपुर का कोई बंदा देख रहा हूँ, जयपुर की कोई लड़की देख रही है और फ्लैट हो रही होगी, भाई सिटी पहुंच चुके हैं, गुरुद्वारा आ गया है राजा पाग का, राजा पाग का, तो भाई वीर जी बियॉन्ड चले हैं नहीं है तो भाई जा रहे हैं, भाई की एक्चुअली भाई का जहाज है, भाई ने जहाज, भाई ने जहाज से जाना है आगरा तो भाई का जहाज उड़ने वाला है, तो भाई को करते हैं बाय बाय, भाई से मिलेंगे थोड़ी देर के ब्रेक के बाद, मतलब नेक्स्ट मीटिंग जब भी हम आएंगे तो भाई से मिलते हैं, तो ठीक है वीर भाई मिलते हैं फिर, जा कैसे रहे हो फिर, जहाज से जा रहे हो कैसे जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो बस से जा रहे हो? चार्टर्ड प्लेन। अच्छा चार्टर्ड है, ओके यार शौक महंगे है ना वीर भाई के, वीर भाई की गर्लफ्रेंड महंगी, शौक महंगे, सब महंगा, वीर प्रताप सिंह राजा वाला नाम है तो राजा की तरह तो जाएंगे, ऐसे थोड़ी चले आएंगे, क्यों भाई बताओ भाई, स्टेबल जेट अभी लैंड करने वाला, उसमें बैठ के शू हो के जाने वाले हैं, भाई मेरे को भी छोड़ दो दिल्ली से डायरेक्शन ये मेरी गाड़ी को भी छोड़ दो, अमित जी को भी छोड़ दो, अमित जी यार चार्टर से चलेंगे यार, और भाई का ड्राइवर तो आई रहा जहाज लेके, तो मिलते हैं भाई फिर, ओके वीर जी। तो यार अपनी एक मीटिंग हो चुकी है और दूसरी मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं, दूसरी मीटिंग अपनी टोक्यो क्लब में, टोक्यो क्लब की तरफ जा रहे हैं, टोक्यो क्लब है जयपुर में 22 गोदाम रोड पड़ती है उसके आसपास में, वहीं जा रहे हैं वाली मीटिंग करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, घर पे सामान उठाएंगे, देन चली ये है टोक्यो क्लब की एंट्री, चलते हैं ऊपर, कौन से फ्लोर पर है ये पता है? फर्स्ट फ्लोर, चलो भाई फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं फिर, सारे फ्लोर दबा दिए, हमें नहीं पता कौन से पे है, एक दो चेक कर चुके हैं, ये लो भाई इस पे भी नहीं है, सब थर्ड होगा, एंट्रेंस दो तीन हो सकते हो भाई, आगे टॉप के बाद आवाज आ गई, ये टोक्यो क्लब के रूफटॉप, ये किसी प्राइवेट पार्टी की तैयारी चल रही है आई गेस, फ्लावर डेकोरेशन में, और ये फर्स्ट इंडिया नीचे न्यूज चैनल है, यहाँ पूरी सेटिंग है, सामने रात में तो और बढ़िया लगता होगा, लाइट्स लग रखी हैं, ये नीचे जाने की स्टेयर्स हैं, ये नीचे है गाइस, ऊपर से चौकियो लाइव म्यूजिक है। तो भाई रोशनी में घुसे थे, अंधेरे में बाहर निकल रहे हैं, रात हो गई है, प्लान सोचा था कि अप्रोक्स 5 बजे के आसपास फ्री हो जाएंगे तो निकल जाएंगे दिल्ली के लिए, तो अब तो ऑलरेडी टाइम 8 हो रहे हैं, तो बस फिर यहाँ से अब अपने ऑफिस, ऑफिस से सामान उठाएंगे, फिर वहाँ से कुछ खाएंगे, फिर निकल जाएंगे दिल्ली, दिल्ली पहुँचते हैं, यहाँ से पहले ऑफिस निकलते हैं फटाफट, पहुंच गए हैं फेमस स्ट्रीट राजा पाक जयपुर की, सामने अन्नू मोबाइल पान भंडार, ये
आ गई है चाप बढ़िया से, रुमालिया लेकर आ रहा है लड़का। और यस यू एंड मी सोया चाप यहाँ पर हम खा रहे हैं, सबसे बिजी स्ट्रीट जयपुर की राजा पार्क वहाँ पर ये करिए। अमित जी ट्राई बताइए खा के कैसी है। उत्तम उत्तम या अति उत्तम? अति उत्तम कह सकते हैं। है ये फॉर शराबी पीपल्स? नहीं नहीं, ये चीज मेरे को पहले ऐसी नजर आई जो मेरे हिसाब से बिल्कुल स्पाइसेस बहुत कम है इसमें। ओके बहुत सेट ऐसे कहते हैं। हां तो अननेसेसरी वो नहीं साला। नहीं नहीं, इसके साथ लिटिल लिटिल चलती है ना मतलब। वही तो मैं कह रहा हूँ फॉर शराबी पीपल्स। लो भाई अपनी रुमाली रोटी भी आ गई है और फटाफट बस सामान उठा रहा हूँ, यहाँ से उठा के सारा सामान गाड़ी में रख के निकलते हैं दिल्ली के लिए, करते हैं दिल्ली मिली। ये सामान है, यहाँ पर राशन पड़ा था वो टाइम से अमानी रहे थे तो खाली 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 खाली। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं वाइट वाली जैकेट उतार लूँ, इसको वापस इस पन्नी के अंदर पैक कर लूँ क्योंकि ऑलरेडी वाइट है, गंदी हो जाएगी रास्ते के लिए तो फिर दिक्कत करेगी। इसको पहले उतार लेते हैं, चेंज करते हैं, चेंज करके फिर चलते हैं। ये रेड वाली जैकेट ही पहन लेता हूँ वापस, रेड पहन लेंगे, वाइट को अंदर डाल देंगे और पैक दिल्ली। मैं हो गया रेडी, मैंने ये वाली हुडी पहन ली है तो सामान सारा बाहर कर लिया है, ये आ गया सारा सामान, बस उठाएंगे सारा कुछ समेटेंगे और दिल्ली। कर दिया लॉक, बस गाड़ी में बैठने लगा हूँ, बस निकलते हैं भाई। भाई पहला टोल आ गया है, शीशा गंदा गंदा लग रहा है, इसको पहले साफ करें फटाफट। और फास्टैग तो मेरा रिचार्ज ही है। ओके ये तो लाइन आने की है तभी तो। फाइनली निमराना का टॉल, लाइन लंबी, पूरा ही बंद है। चलो करते हैं वेट, हमें जीना तो आज सोना नहीं है। थोड़ा थोड़ा हिलते हुए, आज तो नींद नहीं आ रही। आज तो नहीं सो रहे आप? हाँ आज तो नहीं सो रहे आप? सो जाते लेकिन फिर मैं मन नहीं कर रहा सोने का। चलो ये भी ठीक है, बढ़िया। आज अपना रात में टाइम पास हो रहा है। ये गाड़ी, ये वाली बस जा रही है भाई जयपुर दिल्ली चंडीगढ़। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I... जयपुर का हाईवे ऐसा है या मेरी शीशा ऐसा है गाड़ी का या मेरी लाइट ऐसी है कि कभी कभी तो विजिबिलिटी आउट हो जाती है ऐसा कि शिट यार हमें रोक लिया गया है। ओ शिट हमें निकाल भी दिया गया है। अरे बड़ी तेजी से निकले वाले टोल पे, तो ये आखिरी टोल था ना मेरी। अब हम दिल्ली आ गए हैं गाइस। भाई बस दिल्ली एंटर कर लिया है, गुड़गांव टोल आने वाला है और मेरी गाड़ी जो है टेम्परेचर बताती नहीं है तो अमित जी एक बार गूगल करके बता दो क्या टेम्परेचर हो गया दिल्ली में। भाई भाई 2 बज चुके हैं, 2 बजे सो के उठ रहा हूँ, नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है, बस सो के उठ गया हूँ। थकावट पूरी है, बॉडी पेन कर रही है, गाड़ी चला चला के आपको पता है ड्राइव करते हुए पेन हो जाता है। तो भाई कल रात को फोन की बैटरी हो गई थी लो, इस चक्कर में अमित जी को भी नहीं दिखा पाया जाते हुए, उनको भी बाय नहीं कर पाया व्लॉग में। और बस घर आ गया था, घर आके फटाफट चेंज करके सो गया था, थका ही हुआ था। अब 2 बजे सो के उठ रहा हूँ तो अब करते हैं व्लॉग को एंड। व्लॉग में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और तब तक के लिए कॉल मी देट्स।